तो जू के अंदर तो आ चुके हैं, टिकट कितने का है बताइए भाई? 50 रुपीज़, 50 रुपये का टिकट है और शुरू की एंट्री कुछ इस प्रकार की है। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर जानवरों की भीड़ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। नमन भाई कहाँ है दो शेर? एक तो हो रहा हाँ। ये और एक इधर इधर इधर। Close your eyes. क्या देखा नमन भाई? ए सलमान खान। ये रहा सलमान खान। देखो एग्जिट पॉइंट से पहले आखिरी में कुछ बोलना चाहोगे? आखिरी में बस यही बोलना चाहेंगे, ए ठंडा। हम सब रोड की साइड आ चुके हैं, रोड की साइड से हम थोड़ी बस के इधर जा रहे हैं, थोड़े थोड़े चल चल कर बहुत चल लिया आज तो। आज पता नहीं कितनी क्या ट्रिप हो पाई, लेकिन जितनी भी हो पाए वो अच्छा रहेगा क्योंकि तो आपको दिखा पाएंगे। कुलजू में बहुत टाइम लग गया, 2 से 3 घंटे। तुमने बनाया कि नहीं बनाया ब्लॉग? बनाया तो था पर डिलीट कर दिया। क्यों? अच्छा नहीं बना। अरे अच्छा मेहनत करके ही अच्छा बनेगा, बार बार मेहनत करो जब अच्छा बनेगा। देखते हैं, एक बार में सफलता नहीं मिलेगी। एक फोटो खींच देना, रखो रखो रखो। 30 से 40 किलोमीटर का सफर करने के बाद आ चुके हैं अब लिंगराज मंदिर पर, जो कि हमारे सामने है। ये रहा लिंगराज मंदिर। चुका है 5:19, अभी अपन चल रहे हैं सूर्य मंदिर कोणार। यहाँ से वहां तक देख रहे हैं तो सनग्लासेस दिख रहे हैं। ये अपना लास्ट मंदिर रहेगा, इसके बाद चलेंगे बीच। अब बीच चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे क्योंकि 6 बजे तक तो अंधेरा ही हो जाता है। देखते हैं जैसा भी रहेगा आगे पता पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा सफर है। मज़ा तो आ गया लेकिन एक आध दो दिन में होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आता। ये टिकट लिया जो कि अपन को 40 का पड़ा और ये रहा सामने भव्य मंदिर। सूर्य मंदिर के तो अच्छे से दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं अपन। अब पता नहीं कहाँ चलेंगे, रात बीच पे तो अब चल नहीं सकते क्योंकि रात का टाइम हो चुका है 6:20। अपनी बस उधर साइड है तो उधर चलना है। और कल से कत हुई तो कल से आप और अच्छे बताएंगे। थक चुके हैं, शाम हो गई, बीच मचरा देखते हैं। हाँ देख चलते भाई साहब, मजा आ गया, क्या मंदिर है। रात हो गई रात, लेकिन तब भी मेरी इंस्टाग्राम पे जाके देखना, एक नंबर फोटो डालूंगा। इंस्टाग्राम आईडी है namanSharma6012। आओ आप लोग मुझे जानते हो, 200। चलो चलते हैं बस में और भोजन करेंगे जब पहुंच के जल्दी। बोलो टेकरी सरकार की जय हो। 9:40 टाइम हो गया और हम बीच पे आ गए। बीच के पास आते ही आते ये देखो रेत मिल गई, बहुत सारी बालू रेत। समुन्दर का नजारा कैसा रहेगा? वैसे रात में क्या अंधेरे याद रहेगा तो सही तरीके से दिखेगा नहीं, जितना दिखेगा उतना तो दिखाएं आपको, तो पहली बार देख रहे हैं हम तो। समुंदर देख लिया हुआ और मेरे पीछे देख लिया ना, कैसा क्या लग रहा है? मैंने तो पहली बार देखा है, आपने नहीं देखा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। समुद्र के पास तो आपको पता रहती होगी रेत रहती है, उस रेत में ऐसे चलना होता है, ऐसे
ऐसे तो ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे रेट में ऐसे भी चल सकते हैं। हाँ कैसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। हाँ। तो ना रनिंग करो, रनिंग भाई साहब, जो पूरे कट समट से सब निकल यार, हर जगह थोड़ी समुद्र है यार भाई के कट से निकल आएगा। जिंदगी में गद्दे ला, दो गद्दे बिछा और समुद्र की ठंडी हवा में सो मस्त। आया था यार, कूल कूल हवा चल रही, बेहतरीन बेहतरीन मजा जाता है। ठंडी हवा, इतना प्यारा मौसम और ये समुद्र की आवाज, वाह 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 वाह। चलो अब चलते होटल की तरफ। आज ये लास्ट था यहाँ का, तो ये इतनी जगह घुमा पाए क्योंकि एक दिन में इतनी ज्यादा जगह बहुत हो जाती है। धन्यवाद आपका, आपने देखा। टाइम हो चुका है 9:25, अपन नहा धो के मस्त रेडी हो चुके हैं। कल तो आने के बाद थोड़ा खाना माना खाने के बाद तुरंत सो गए थे, तो अभी अभी अपन बस तैयार हो चुके हैं। और मैंने आपको रूम नहीं बताया तो रूम बता देता हूँ आपको। ये है अपना रूम, ये सारे बेड लगे हुए हैं और सबके कपड़े सूख रहे हैं। और ये रहा मेन गेट, और ये रहा मिरर, और ये हैं अपने नमन भाई। नमन भाई कुछ बोलना चाहोगे? नमन भाई की पर्सनल भाषा है, मैं भी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, हल्की हल्की जितनी भी बोल लेता हूँ, प्रयास करता हूँ बोलने का, तो अच्छा लगता है बोलने में। और नीचे कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है क्योंकि आज 4 तारीख हो चुकी है, तो आज से सिबलिंग बनना स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको भी बताते हैं और चलते हैं फिर। राधे राधे, जय जगन्नाथ। तो गाइस नमन भाई अपन को कुछ तमिल में बोल के बताइए। सेकंड बोलो, हमारे चुनो चुड़ा, अब इसकी हिंदी में इसका मतलब है अपना टाइम वेस्ट मत करो और जाके पढ़ाई करो। ओके ओके, ये रही गेट के पास वाली गैलरी जो कि कुछ इस प्रकार की है। Close your eyes. बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, जगन्नाथ महाराज की जय। तो अभी का टाइम हो चुका है 3:12, तो अभी हम जा रहे हैं समुद्र की तरफ। सरवा रहा है बालक, तो अभी हम जा रहे हैं समुद्र की तरफ, वहां पर आपको दिखा देंगे क्योंकि कल रात का मॉल हो गया तो रात को दिखा नहीं पाते क्योंकि रात को अंधेरा अंधेरा ज्यादा होता है, तो पास पास का जो चीज रहती है वो दिख पाता है। लाल टोपी वाले पता नहीं कौन है, ये तो पता नहीं, सबने रेड टोपी पहनी रखी है। जो शिवजी बनाए थे ना हमने, उसका विसर्जन भी वहीं पर ही होगा। तो चलते हैं आपको समुंदर दिखाते हैं और थोड़ा बहुत उड़ीसी का वो बताते हैं, और शौचालय बताते हैं यहाँ का कितना बड़ा शौचालय है। पूरा शौचालय है ये, पूरा पूरा जैसे लगता है जैसे कोई महल हो, लेकिन ये शौचालय है। ये कुछ गलियाँ हैं उड़ीसा की, सेम गलियाँ हैं, कुछ अंतर नहीं है, सब कुछ अपने जैसा है। मुझका 4:02, मेरे पीछे आपको दिख गया होगा भव्य समुद्र। दूसरी बार आ चुका हूँ, एक तो कल आया था और एक अब आ चुका हूँ, तो दिन में तो गाइस कुछ अलग ही दिखेगा। समुंदर के बीच आपने देखा वो वीडियो वगैरह में, कुछ ऐसा कुछ बना के छोड़ जाते हैं लोग वहाँ, तो कुछ ऐसा मेरे पास ही ये दिखा और इसके ऊपर ये फूल है। और समुंदर देखो गाइस कुछ इस प्रकार का है समुंदर, अगर आपने नहीं देखा तो आप भी रियलिटी में देखो कि समुंदर के पास आने में भी कुछ अच्छी सी बात आती। देखो अब मेरे पास आएगी लहर, पन्ने करवा लिए 2 फोटो के लिए। ये तो है अपना समुंदर के साथ, ये है केमल के साथ, क्योंकि मैं ना एक फाइल में ना सारे फोटो कलेक्ट करके रखता हूँ।
टाइम डकैती करने, जूते लेके, समय डकैती करने, जूते लेके।